अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ जी, तो व्यूवर्स आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं दोपहर से। और यहाँ पे जी व्यूवर्स, फातिमा बना रही थी नूडल्स। पहले इसने कहा कि मैं नूडल्स बनाती हूँ, और फिर अचानक से इसका प्लान चेंज हो गया। इसने कहा कि नूडल्स और मैक्रोनीज जो होती है ना, वो मिक्स करके बनाती हूँ। आज एक न्यू रेसिपी यहाँ पर तैयार हो रही है, जो कि कभी मैंने नहीं बनाई। ना तो मुझे मैक्रोनी बनानी आती है, और ना ही मुझे नूडल। नूडल तो इतने आसान होते हैं, वो तो मैं चलो बना लेती हूँ। खैर, पहली बार ये एक अजीबोगरीब किस्म की रेसिपी नूडल और मैक्रोनीज जो है ना मिक्स से, ये ट्राई हो रही है कि देखते हैं ये कैसी बनती है, ताकि आइंदा इसे अच्छे से बना सकें। आज जी ये एक ट्राई है, तो आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा कि ये कैसी बनती है। हाँ जी, तो व्यूअर्स आप सुनाएं क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वैसे भी आप लोग मेरे व्लॉग वॉच करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, आप लोगों की सपोर्ट का, इतने सारे प्यार का। काफ़ी लोग जो हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मुझे करते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग मुझे सब्सक्राइब किया करें। बल्कि आप लोगों से एक बात करनी थी, वो मुझे याद आया आपके, मुझे ना कुछ व्यूअर्स जो हैं उनके कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो पिछली व्लॉग, बर्थडे का व्लॉग अपलोड हुआ है, तो उसमें ना वो जो केक था ना, वो था जी फास्ट वालों का, और थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। वहाँ पे मैंने गुलशन वालों को बुरा भला कह दिया है कि उन्होंने केक सही से नहीं बनाया, बर्थडे ऊपर नहीं लिखा। तो सॉरी, इस चीज़ के लिए मेरी मिस्टेक है, मुझसे गलती हो गई है। वॉइस ओवर करते हुए मुझे ध्यान नहीं रहा कि केक जो है वो हम लोगों ने फास्ट, मेन फास्ट चुंगी वाली से उठाया है, गुलशन नहीं थी। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी बड़ी प्यारी, उसने मुझे बताया है। तो सॉरी जी, मैं अपना व्लॉग अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद मैं नहीं देखती कि पता नहीं मैंने उसमें क्या कहा था। तो व्यूअर्स, ये जी मेरी मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये बात याद दिलाई कि वो जी फास्ट का था, गुलशन का नहीं था। तो एक ये बात क्लियर हो गई। दूसरी जी, एक सब्सक्राइबर है मेरी, तो उस दिन जी, वो पिछले दिनों एक और व्लॉग अपलोड हुआ है, उसमें भी थोड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मतलब वर्ड की मिसिंग हो गई है। वो व्लॉग मेरी दोस्त ने शुरू किया था, तो जिसमें उसने बनाना शेक को जूस कह दिया था, बनाना का जूस। तो ये भी सॉरी। चलें जी, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों गलतियाँ नोट करते हैं, तो अच्छी बात है। तो उनकी भी गलती आज इस व्लॉग में मैं क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सोचती हूँ कि हर किसी को जवाब दूँ, लेकिन फिर आप लोगों को पता है टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। व्लॉग बनता है, फिर वो वॉइस ओवर होता है, एडिटिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो व्यूअर्स, आपने जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, सब्सक्राइब भी वही लोग किया करें जो लोग मेरा व्लॉग वॉच करते हैं। जो व्लॉग वॉच नहीं करते, बेशक अगर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो मुझे हटा दें, मतलब अनसब्सक्राइब कर दें। तो मुझे रिबोर्ट सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे रियल हैं, चाहे वो 100 हैं, 100 से कम हैं, जो लोग मेरा बाकायदगी से व्लॉग वॉच करते हैं, कोई बात नहीं, आज थोड़े करते हैं, कल ज़्यादा करेंगे, इस चीज़ की कोई इशू नहीं है। वैसे मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे वही सब्सक्राइबर सब्सक्राइब किया करें जो कि मुझे वो करते हैं, मतलब मेरा व्लॉग वॉच करते हैं। तो एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक, मुझे उनकी आईडी अब सही से याद नहीं है, उनके मुझे कमेंट्स आए हुए थे कि जी मैंने आपका चैनल जो है ना 5-7 मोबाइल फ़ोन से ना सब्सक्राइब कर दिया है। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये उनका प्यार है कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। लेकिन एक बात वो मेरी सुन लें कि ज़रूरत नहीं है ऐसे दूसरों के सेल फोन से मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे रिबोर्ट सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ज़रूरत ही नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर की कि जिन लोगों के सेल फोन से आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता व्लॉग का, ना वो मेरा व्लॉग वॉच करते हैं, और ना ही ऐसी कोई बात होती है। तो प्लीज़, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे व्लॉग वॉच करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, ये आप मेरा नुकसान करते हैं कि आप दूसरों के सेल फोन से मुझे सब्सक्राइब करते हैं, वो लोग मेरा व्लॉग वॉच नहीं करते। तो काइंडली वही लोग मुझे सब्सक्राइब किया करें जो लोग मेरा व्लॉग वॉच करते हैं। तो हाँ जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे बस ऐसे मैं कहती जाऊँ तो फिर कमेंट्स और बातें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो व्लॉग शुरू करते हैं। वो बिल्कुल अब याद नहीं आ रही और ना मेरे जहन में है। ये देखें जी, आज शाहीन के बेटे की मंगनी है, तो व्यूअर्स वो काम पे नहीं आई। जैसे मेरी जो चीज़ें पड़ी हैं ना, वैसे नीचे पड़ी हैं, मैंने कोई उनको उठाकर ऊपर नहीं रखा। बस बेटी की वो पता नहीं, कोई एक बेटे की है। अच्छा जी, ये जी बिल्कुल मैक्रोनियों की रेसिपी से बन रहे हैं। ये फ्लेम थोड़ी लो करो यार, ये इतनी हाई फ्लेम पे जल जाएंगे। सारे सिरका नहीं डालते,
वो नहीं डालोगी, क्या कहते हैं मिसाला है? अगर हम मैक्रोनी के और नूडल वगैरह के लिए, लोग घर पे तो मिसाले बनाते हैं, हर चीज लेके बंदा यूट्यूब से देख ले और वो मिसाले अगर हम बना ले खुद तो फिर वो अच्छे बनेंगे। नूडल तो नहीं बनाने हैं, लेकिन मैक्रोनीज के लिए क्या होती हैं, मैक्रोनीज होती हैं या मैक्रोनी होती है? अच्छा जी, व्यूअर्स इग्नोर कर रहे हैं, सॉरी। एक कुकिंग रेंज ना थोड़ा आज मैला पी है, मैं सफाई नहीं की थी क्योंकि काम मल दा, जी मैं थोक मैं दसा शहीन दे बेटे दी आज मंगनी आई ते ओ आज काम तो नहीं आई, ता वास्ते मैं भी आज थोड़ा फ्राइडे आई ना, बस मैं पई रही हां सुस्त। एड़ा काम शम मैं कीता का नहीं, ते चूल्हा कल दा ही मैं पी है, मैं एक साफ नहीं कीता, ते इंशाल्लाह सवेरे अल्लाह खैर करे तो हम सारी कुकिंग रेंज दी भला कुल सफाई करे सा। ठीक है, ये मुझे ना थोड़ा मसला हो रहा है, ये ना इसमें से ना ब्लैक ब्लैक, अब मैं कैसे समझा उर्दू में, मुझे नहीं समझाना आता, ना बर्तन मेरे सारे काले करें दिए, इंदी भा इंदी फ्लेम मैं हाई करा या लो करा, तो मैं एशिया डिठी है बर्तन सारे तनु काले थी मैंने, हालांकि ये भी सुई गैस तो नहीं एलपीजी है, दूजा सिलेंडर वाली गैस है, तो जरा मेरा छोटा चूल्हा आई उन्हें बिल्कुल काले नहीं थी, इन्हें तो सारे काले थी मैंने। तो व्यूअर्स अगर थोड़े को कुकिंग रेंज है तो एलपीजी थे अगर यूज थे, तो मैं दसाया चाहे कोई गैस का मसला है या सारे कुकिंग रेंज कोई मसला है, एक वाला चेक करवा के सुई जी कानून है। हाँ जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे जी आप लोगों को जैसा कि पता है माहम की शादी है मेरी फ्रेंड की और उसकी, जी आपको पता तो है लड़कियाँ मेरी शादियों से पहले क्रीमें वगैरह यूज करती हैं, तो यहाँ पे जी देखें जी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये दुल्हन है माहम और उसके साथ जो है ना सिस्टर है, सिस्टर मुझे दुल्हन से ज्यादा वाइट लगती है, पता नहीं शायद वो फिलहाल कैंसर जी बिल्कुल, इसीलिए हम आपका सर खाने आ गए। आज से हर एक कुरकुरे दी काफी है, मरे मैं कुरकुरे समझ के खा गई हां, लगता था कुरकुरे देख सही पाकिस्तान काफी भी थी ओरिजिनल बनदी थी बहुत सी, सब तो पहले मैं कोई चेक करा हुआ तत्ती चमची है ना व्यूअर्स, ये देखो बिस्मिल्लाह, अगर मैक्रोनी सही बने हुए हो ना है ना मुझे तो अगर इंजर मायोनीज बहुत अच्छा लगता है है ना पहली चमची मैं आप ट्राई की थी, सेब खाना वे दा वन्यो, जो अगर ये खाने वे मैक्रोनी तो नूडल मिक्स
हाँ जी। तो व्यूवर्स, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमें दीजिए इजाज़त, व्लॉग करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।